नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। दोस्तों, प्रैक्टिकल विद टेक्निकल जो भी आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, और टेक्निकल जो भी होंगी, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मीन्स दोनों को कोरिलेट करके आपको बताया जाएगा। काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं दोस्तों, और ड्राइंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाई जा रही हैं, और आपको आज इस वीडियो में ये भी आपको बताया जाने वाला है कि कैसे ड्राइंग को आप देखते हैं। और सबसे पहले यदि मान लीजिए जहां आपके पास पीसी ना हो, पीसी मीन्स आप समझ रहे हैं जहां लैपटॉप ना हो, वहां पे आपको कैसे बीबीएस बनाना है, या फिर साइट पे आप कैसे बीबीएस शॉर्ट में तैयार करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी ड्राइंग। यहां ड्राइंग के लिए देख सकते हैं, यहां पे ड्राइंग लिखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं यहां पे 10 डाया, 100 mm सेंटर वाई सेंटर, पीसीसी लिखा हुआ है, सैंड फिलिंग है, कॉम्पैक्टेड अर्थ है, मीन्स ये सेक्शन दिया हुआ है किसी ड्रेन का, उसका ये बीबीएस आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पीसीसी और सैंड, ये दोनों चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को छोड़ने के बाद सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो रेनफोर्समेंट्स हैं वो कैसी हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट रेनफोर्समेंट है बॉटम की, वो ऐसे आके सीधे यहाँ तक ऐसे एंड हो रही है। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि ड्रेन में यू शेप का रेनफोर्समेंट दिया जाता है, मीन्स डायरेक्ट ऐसे दे दिया और हो गया। तो सबसे पहले इस ड्राइंग में समझना है, सबसे पहले ये ड्राइंग क्या कह रही है कि आपका जो बॉटम का रेनफोर्समेंट है वो इस तरह का है। मीन्स राफ्ट की जो थिकनेस है कितनी दे रखी है, यहाँ पे 200 दे रखी है। अब कहेंगे कैसे, तो ये देखिए, ये जो थिकनेस है ये 200 यहाँ पे दे रखी है। अब इस 200 के आपने यहाँ मार्क कर लिया, अब पहली आपकी रेनफोर्समेंट पता चल गई, राफ्ट की बॉटम ये है। तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, पहला तो सीरियल नंबर हो जाएगा, सीरियल नंबर के बाद डिस्क्रिप्शन होगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, शेप ऑफ बार होगा, फिर इसके बाद कटिंग लेंथ होगी, फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ बार होंगे, फिर वेट अलग मैटर है, ये बाद में कंसिडर किया जाएगा। यदि इसको और डिस्क्राइब करें तो शेप ऑफ बार लिखेंगे, यहाँ जो है इसको डिस्क्रिप्शन है, ये सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ आपने देख लिया कि पहली जो रेनफोर्समेंट थी वो इस तरह की थी। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि राफ्ट की टॉप की रेनफोर्समेंट, ध्यान दीजिएगा, वो भी सेम जैसा राफ्ट का बॉटम मोस्ट है वैसा वो भी है। मीन्स आपको इस तरह का राफ्ट का टॉप रेनफोर्समेंट, केवल पहले शेप तैयार कर लेना है, शेप में फिर यहाँ पे जो राफ्ट की थिकनेस थी वो आपने 200 देख रखी थी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है विर्थ कितनी है। तो विर्थ यहाँ देखिए 1200 दे रखी है, 200 का वॉल है, 200 का वॉल है, मीन्स 12 और 4 1600 हो गए। 1600 में से आपको कवर कितना दे रखा है, तो कवर आपको बताया मैंने दोस्तों, सबके ड्राइंग में डिस्क्रिप्शन में कवर दे रखा होता है। यहाँ पे नॉर्मल राफ्ट के लिए 50 mm कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए 1200 हो गए, 16 में से 50 जाएगा, मीन्स ये जो लेंथ आएगी ये 1500 आएगी, सेम ये भी लेंथ 1500 आएगी। अब रही बात कि ये हाइट कितनी रखनी है, नॉर्मल क्या होता है दोस्तों कि 2/3D लेते हैं, 2/3D मीन्स डी जो है वो डेप्थ हो गई, मीन्स जो आपका 200 था 2/3 × 200, अब ये जितनी भी हाइट आएगी ये आपको इसकी लेंथ कंसीडर करनी है। अब देखिए यदि कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 133 mm आएगी, लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो कवर है वो कवर पहले आपको माइनस करना है। तो मीन्स 200 में से आप कवर माइनस करेंगे 100, 133 mm आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि 200 में से कवर आपको माइनस करना है दोनों तरफ का 50-50, तो 100 आ रहा है, इसलिए मैक्सिमम इसको आप 100 रख सकते हैं। यदि कोई बड़ी राफ्ट हो तो आप 2/3D फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब रही बात कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देखना था, डिस्क्रिप्शन में लिखना है राफ्ट बॉटम। अब यदि एक फ्रेश तैयार कर दूं आपके लिए, तो यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, शेप ऑफ बार हो गया, नंबर ऑफ बार हो गया, वेट हो गया। अब यहाँ सीरियल नंबर एक में क्या था, राफ्ट बॉटम, इसमें क्या होगा, शेप ऑफ बार आपने देखा था ऐसा था, ये हाइट कितनी निकली, 100 निकली थी, ये जो था ये 1500 था। सेम दूसरा सीरियल नंबर पे आएंगे, अब यहाँ पे राफ्ट बॉटम में आपको डाया भी शो करना है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, राफ्ट का 10 डाया एट द रेट टोर बार है, 100 सेंटर बाई सेंटर दे रखा है, ये चीज़ आपको ऐसे नोट करनी होगी। फिर राफ्ट का जो टॉप बार है उसका भी यहाँ पे रेनफोर्समेंट दे रखा है, वो भी सेम है, 10 डाया एट द रेट 100
सेंटर बाई सेंटर। सेम जो सेप था वो भी ऐसा ही था, सेम 100 इधर आएगा, 100 इधर आएगा, 1500 इसमें आएगा। अब देखिए तीसरा जो बार आएगा, अब इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आएंगे। मींस जैसे आपने ये वाली लेंथ तो निकाल ली, ये जो छोटी वाली लेंथ थी, फिर ये आपने ये भी राफ्ट की टॉप निकाल ली। अब ये जो डॉटेड पॉइंट लग रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। मींस एक आप केज ऐसा तैयार करेंगे राफ्ट का ऐसा, और उसको फिर बांधेंगे, बांधेंगे मींस लॉन्गिट्यूडनली। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आप यदि कोई राफ्ट तैयार कर रहे हैं, दो लाइन थी उसमें आपने ये दोनों लाइन बिछा दी, रेनफोर्समेंट टॉप एंड बॉटम वाली जो आपने निकाला ये दोनों बिछा दी, तो इसको भी बांधने के लिए जो लंबी लंबी बार आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाएगी, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल बार भी आप कह सकते हैं। तब ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए ये डॉटेड जो आएगी वो डॉटेड की लेंथ केवल आएगी, मीन्स वो सीधा रहेगा, एक तरफ केवल हुक रहेगा जहाँ स्टार्टिंग है। अब कहेंगे हुक क्यों रहेगा, मान लीजिए आप किसी ड्रेन का कोई 50 मीटर की ड्रेन हो गई, तो 50 मीटर की ड्रेन है तो जो स्टार्टिंग होगा वो स्टार्टिंग तो आप उसका एल करेंगे, लेकिन 50 के बीच में ये जैसे लैप होता चला जाएगा तो वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, और फिर जहाँ एंड होगा वहाँ पर आपको फिर उसमें एल देना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने एक साइड L लिया है, L की लेंथ कितनी होगी 100 mm, जो आप निकाल रहे हैं वही लेके चलेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए कितनी है, यहाँ आपको सीधे लिख देना है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना हो गया, 10 डाया 150 सेंटर बाई सेंटर, जैसे ये डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, आपको सेम यहाँ पे लिख देना है 10 डाया 150 सेंटर बाई सेंटर। ये लेंथ कितनी आप कंसीडर करेंगे, जैसे नॉर्मल क्या होती है कि 12 मीटर की रेनफोर्समेंट होती है, आपने 100 माइनस कर दी तो लगभग आप यहाँ पे 11900 लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं जनरली बता रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल जो लेंथ कम होगी वो 11920 हो जाएगी। अब कहेंगे कैसे, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा यहाँ पे। अब एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ नंबर ऑफ बार से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कटिंग लेंथ भी होगी, कटिंग लेंथ होगा, फिर नंबर ऑफ बार होगा, फिर वेट होगा। तो वेट तो निकालना इजी है, मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। अब यहाँ कटिंग लेंथ देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। अब बात आती है वॉल की, मीन्स आपने ये राफ्ट का तो निकाल लिया दोनों, लेकिन ये वॉल की भी तो रेनफोर्समेंट हैं दोनों साइड में, इनको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी आपको चौथा जो पॉइंट होगा ये आपको लिखना है, वॉल आउटर रेनफोर्समेंट। क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटर जो रेनफोर्समेंट है उसका सेप अलग है, और जो इनर है उसका सेप अलग है। आउटर का सेप कैसा है देख लीजिए, यहाँ पे वॉल पे ऊपर बेंड किया हुआ है, बेंड करने से नीचे स्ट्रेट आ गए, स्ट्रेट आने के बाद यहाँ तक मीन्स जो ये राफ्ट का एज है वहाँ से 200 तक इन्होंने एल कंसीडर किया हुआ है। तो मीन्स इसका जो सेप था आप पहले बना लीजिए, यहाँ ये वाला 200 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 200 की वॉल है, यहाँ पे भी 100 का आप कंसीडर करेंगे जो ऊपर की एल होगी। अब रही बात की ये हाइट कितनी आएगी, तो हाइट देखिए यहाँ दे रखा है दोस्तों 150 ये है, उसके बाद 1500 है, मीन्स 1650 हो गया, 1650 और प्लस 200 1850 हो गया। लेकिन राफ्ट में 50 का कवर है और वॉल पे 25 का है, मीन्स 1850 में आपका 75 mm माइनस होगा, मीन्स ये जो हाइट आएगी ये 1775 माइनस, मीन्स 1850 माइनस 50 बॉटम का कवर, फिर टॉप का कवर 25 mm। फिर आप ध्यान दीजिएगा ये जो बॉटम की रेनफोर्समेंट है, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन बार आप डाल देंगे तो ये जो L है उसके नीचे नहीं डाल पाएंगे आप, इसलिए इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। इसलिए जो राफ्ट का जो बॉटम, ये एक आपने बॉटम का रेनफोर्समेंट और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये दोनों डाया इसमें से माइनस होगा, मीन्स दोनों कितने का था 10 का, दोनों था 10 का। अब ये जो लेंथ आएगी आपके पास ये आएगी एक्चुअल इसकी हाइट, तो यहाँ से यदि आप माइनस करेंगे तो 1755 mm आपकी हाइट आएगी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप क्या करेंगे, इनर वॉल, इनर साइड रेनफोर्समेंट, ठीक। अब आउटर रेनफोर्समेंट थी कितने की, पहले ये देख लीजिए, ये सेम थी दोस्तों, 10 डाया एट द रेट 100 सेंटर बाई सेंटर। जो इनर डाया है वो भी इसमें 10 डाया 100 सेंटर बाई सेंटर है। अब इनर वाले का क्या था सेप, इनर वाले का सेप देखिए कैसा था, हल्का जेड टाइप। अब जेड में देखिए ऊपर का आपको पता है ये वाली
100 रखनी है। सेम नीचे वाली 200 की हाइट आएगी। अब कहेंगे इसकी हाइट कितनी आएगी, तो इसकी भी सेम आएगी दोस्तों यहाँ पे। यहाँ आप 755 mm दोनों की हाइट आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये दो मेन चीज़ निकल गई, छठवीं चीज़ क्या आएगी आपके पास, छठवीं जो चीज़ आएगी बाइंडर ऑफ वॉल। अब ये बाइंडर ऑफ वॉल कितने की है, जहाँ आप ड्राइंग में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पे शो कर रखा है कि ये जो वॉल का बाइंडर है वो 10 डाया 150 सेंटर बाई सेंटर है। तो यहाँ 10 डाया लिखा, 150 सेंटर बाई सेंटर कर दिया। अब ये जो होगी ये स्ट्रेट रहेगी, एक तरफ एल रहेगा एक तरफ स्ट्रेट, सेम ये फंडा था। तो इसको भी हम 12 मीटर कंसीडर कर रहे हैं और ये 100 कंसीडर कर रहे हैं। अब दोस्तों बारी आती है सातवें चीज़ की, सातवां आप क्या देते हैं, सातवां देते हैं चेयर। अब ये कहेंगे चेयर कैसे क्या प्रोवाइड करना है, तो ये जो राफ्ट है, मीन्स जब राफ्ट की दोनों रेनफोर्समेंट आप टॉप और बॉटम तैयार करेंगे, मीन्स टॉप का रेनफोर्समेंट तैयार होगा बॉटम का रेनफोर्समेंट तैयार होगा, तो इसके बीच में 100 mm का गैप रखने के लिए चेयर को प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसका शेप कैसा होता है इस तरह का आपका शेप बनेगा। मीन्स ये जो दोनों एल हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट मीन्स जहाँ मैं निब दिखा रहा हूँ, यदि ड्रेन मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो जो एल है वो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, लेकिन ये पेपर में मैंने दिखाने के लिए केवल आपको इस शेप का कर दिया है। अब नॉर्मल यहाँ इसका भी 200 आप एल कंसिडर कर सकते हैं। चेयर के लिए कोई स्पेसिफाइड कोड नहीं है, केवल स्पेसिंग के लिए है, तो ये मैं बता दूं कि ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब रही बात कि ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी रखनी है, अब यहाँ देखिए जो आपका राफ्ट का विर्थ है वो 1500 तैयार हो रहा है, तो आप इसको 800 रख सकते हैं ताकि दो लाइन बिछा सकें। अब चेयर का जो डाया होगा वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो बॉटम का डाया है राफ्ट का उससे हमेशा एक डाया ऊपर होता है, तो आप 12 डाया का चेयर लगा लें। अब बात आती है कटिंग लेंथ की, कि कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग 12 मीटर देख लेते हैं कि 12 मीटर के लिए कितनी आएगी रेनफोर्समेंट या कैसे कैसे आएंगी। तो सबसे पहले कटिंग लेंथ देखिए आपको कैसे निकालनी है। कटिंग लेंथ के लिए एक फंडा और मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, ये याद रखिएगा कि यदि आप 16 डाया बिलो रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो एक बेंड के लिए 2D माइनस होता है, मीन्स 90 डिग्री का जो भी बेंड होगा, और यदि 16 डाया आप एबव यूज कर रहे हैं तो आपको 3D माइनस करना होगा 90 डिग्री बेंड के लिए। अब यहाँ जितनी भी रेनफोर्समेंट है सब देखिए 16 के अंदर की हैं, 10 12 हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये तीनों लेंथ को जोड़ देनी है। बेंड कितने आ गए, दो बेंड हैं, एक ये एक ये, तब आपको क्या करना है कि 1500 2 1700 माइनस, ये 10 डाया था तो 10 डाया को आप कितनी बार, एक बेंड के लिए कितना माइनस करना है 2D, यहाँ पे दो बेंड हैं तो 4D हो गए, और D की जगह 10 को रखना है, मीन्स 1700 × 4 × 10 इसकी जो लेंथ आएगी वो 1660 आएगी mm, मीन्स एक जो छड़ आप लंबी काटेंगे उसकी लेंथ 1660 mm कटेगी, तब जब आप बेंड करेंगे इस शेप में तो आपकी शेप कंसीडर हो जाएगी और सारा डायमेंशन मिल जाएगा। अब सेम इसका भी है, सेम डाया था 1660 mm, इसका भी लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों कि ये 12000 सीधे आएगा, मीन्स जो 12 मीटर की रेनफोर्समेंट आती है वो सीधे इतनी आप लेंथ पकड़ेंगे तो आ जाएगी। अब कैसे देखिए, यहाँ पे 11920 को ऐड करिए प्लस ये 100 ऐड करेंगे तो कितनी आ गई 12020। 12020 में एक बेंड है आपका, मीन्स 10 × 20 mm यदि आप माइनस करेंगे तो 12000 मीन्स 12 मीटर की जो रेनफोर्समेंट आती है वो देखिए पूरी पूरी आपकी यहाँ यूज हो जाएगी। तो ये लेंथ ज़रूर ध्यान रखना है कि 12 मीटर की फुल लेंथ में यदि कहीं आप सिंगल बेंड मारेंगे तो जो 2D होगा 2 × डाया वो लेंथ बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे देख लीजिए वर्टिकल आपको निकालने के लिए कैसे ध्यान रखना है, 1755 + 200 + 100 ये आप टोटल करेंगे तो 2055 आएगा। 2055 में से फिर वही 4D माइनस करना है, मीन्स 10 डाया है और 10 डाया है तो 4D मीन्स 40 mm माइनस 40 मीन्स ये जो नंबर आएगा ये आपका 20-15 mm की लेंथ की आपको रेनफोर्समेंट काटनी पड़ेगी। सेम जो है सेम इसका वही आएगा 2015 mm, ये भी आएगा क्योंकि लेंथ सेम है। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने कंसिडर कर रखा है बराबर, ये भी 12000 आएगा क्योंकि दोनों सेम थे। अब रही बात की चेयर की,
चेयर में देखिए हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये दोस्तों अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, चेयर की हाइट कैलकुलेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो इस वीडियो में और बाकी मैं नंबर आपको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट्स करने हैं। अब देखिए जो पहला रेनफोर्समेंट था वो 10 डाया 100 सेंटर बाई सेंटर है, 12 मीटर के लिए आपने कंसिडर किया है, तो मीन्स 12,000 डिवाइडेड बाई 100 120 आ रहा है। आपको पता है कि 120 आ रहा है तो 121 मीन्स वन नंबर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। सेम नीचे वाली रेनफोर्समेंट भी वही आएगी क्योंकि स्पेसिंग सेम है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 150 सेंटर बाई सेंटर है, लेकिन ये 150 सेंटर बाई सेंटर कैसे दिया जाएगा, इस डायरेक्शन में दिया जाएगा मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाई 150 होगा, ये 10 आ रहा है मीन्स 11 यहाँ लिख लेते हैं। अब बात आती है वर्टिकल की, वर्टिकल की स्पेसिंग 100 है, तो सेम जो ये लेंथ आपकी आई थी राफ्ट के बॉटम की, वही सेम लेंथ इन सब की भी आएगी क्योंकि स्पेसिंग सेम है, लेंथ सेम है, डाया सेम है, सब कुछ सेम है। अब फिर जो बाइंडर आएगा, बाइंडर वॉल का, अब वॉल का बाइंडर देखिए, ये जो 755 है इस हाइट में आपको 150 का डिवाइड करना है क्योंकि जो वॉल का बाइंडर होगा वो वॉल के वर्टिकल में इस तरह से बंधेगा, और बंधेगा तो नीचे की जो राफ्ट की है वो राफ्ट आपको 200 माइनस करनी पड़ेगी या फिर 150 माइनस करनी पड़ेगी। तो जब आप 1755 में 150 माइनस करेंगे, 150 आपने माइनस कर दिया तो 1605 आएगी। अब 1605 को डिवाइडेड 150 करना होगा, ये आ रही है 10.7 मीन्स 11 प्लस 1 मीन्स 22। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि 22 एक तरफ लग रही है मीन्स दोनों तरफ के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, 44 नंबर्स आएगा। सेम जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार था 11, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों है। अब यहाँ पे नंबर निकालना भी आप सीख गए दोस्तों। अब लेंथ कैसे निकालेंगे कि टोटल, मान लीजिए ये 44 है, 12 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जो रनिंग मीटर आएगी वो आ जाएगी कि 10 डाया जब वाल का बाइंडर यूज करेंगे तो कितने रनिंग मीटर की आपको रेनफोर्समेंट ज़रूरत है। सेम इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1000 से आपको डिवाइड कर देना है मीन्स कटिंग लेंथ, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार, ये आपका आ गया टोटल लेंथ ऑफ बार। अब क्या होगा, इसमें आप यूनिट वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 10 डाया है तो 0.617 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट यहाँ पे आपका निकल जाएगा कि कितना रेनफोर्समेंट लगना है केजी में। वो फिर इस तरह से आप सिंपली बीबीएस भी बना सकते हैं और किसी एजेंसी को भी दे सकते हैं जिसको एजेंसी करना है। फिर से बता देता हूँ क्या रहेगा, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन रहेगा, शेप ऑफ बार कटिंग लेंथ रहेगा, नंबर ऑफ बार रहेगा, वेट रहेगा, वेट बाद में निकाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आपको लिखते रहना है और इस तरह से आप बनाएंगे तो इजीली समझ में भी आएगा और सारी चीज़ें डिस्क्राइब भी हो जाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।